न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। अमृतसर में हुए आतंकी हमले को देखते हुए जिला पुलिस भी हुई अलर्ट। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से एसएसपी ने लोगों से की अपील, कहा अफवाहों पर ना दे ध्यान, सुरक्षा के हैं पूरे इंतजाम। ट्रेनों में अवैध रूप से चल रहे वेंडरों के खिलाफ रेलवे विजिलेंस टीम ने मारा छापा। सीपीआरओ ने कहा आगे भी होती रहेगी कार्रवाई। 25,000 के इनामी बदमाश सहित दो शातिर अभियुक्तों को गगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक। डीएम ने कहा अपराध है बाल श्रम। कांग्रेसियों ने मनाया आयरन लेडी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 101वीं जयंती। ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते पूर्वोत्तर रेलवे चला रहा है विशेष ट्रेनें। सीपीआरओ ने कहा नहीं होने दी जाएगी यात्रियों को कोई दिक्कतें। महानगर में सफाई व्यवस्था और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का डीएम ने लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निषाद पार्टी ने गांधी प्रतिमा के समक्ष स्वर्गीय जमुना निषाद को दी श्रद्धांजलि। सदर सांसद ने किया जमुना निषाद के मौत की सीबीआई जांच की मांग। कौमी एकता सप्ताह पर एडीएम सिटी ने कलेक्ट्रेट कर्मियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता और अखंडता शपथ। श्री श्याम मंडल द्वारा निकाली गई श्री श्याम महोत्सव की 45वीं भव्य शोभा यात्रा। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। और राप्ती नदी के तट पर भव्य आरती और दीपक जलाकर बड़े ही उल्लास के साथ मनाएगी देव दीपावली।